ऑल्स एंड डिस्पेंसर्स एसोसिएशन की जानिब से शेख बिरकल के करीब मोहम्मद सुलेमान दर्स की रिहायशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनाकिद की गई। रिपोर्ट आशिक अली टाइम के मुताबिक जिसमें सिंध सूबे के जिले से ताल्लुक रखने वाले हेल्थ टेक्नीशियन मेल नर्सेज और डिस्पेंसर्स के रहनुमा जिसमें ऑल सिंध डिस्पेंसर्स एसोसिएशन के सूबाई सदर सावन बलोच जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन जट सरपरस्ती आला हाजी अहमद मेमन अब्दुल अजीज जलवानी नसरुल्ला बर्दी नर्सिंग परमार अब्दुल हन्नान जोक्यो एडवोकेट प्रेम दास नवीद अहमद जरवार जमीर हुसैन मुनीर मेमन जुल्फिकार मेंगल हाजी माशुक पिताफी बशीर सिंधी खलील अहमद शाह रोशन कच्ची और दीगर अहदेदार और मेम्बरान ने शिरकत की। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध सूबे के मुख्तलिफ मिडिल इदारों से डिप्लोमा की है, सिंध फैकल्टी से रजिस्टर्ड भी हैं। कुछ मेम्बरान ने कहा कि हम सरकारी अस्पतालों में भी अपना फर्ज अंजाम देते हैं, हमें क्वालिफाइड डिस्पेंसर्स माना जाता है, जबकि हमारे पास बरारी के गांव और छोटे छोटे शहरों में ना कोई MBBS डॉक्टर्स हैं और ना ही कोई सेहत की सहूलत मुयसर है, वहाँ हम मजबूरी तौर फर्स्ट एड देते हैं। तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से हमें फेक अताई कहकर हमारी डिस्पेंसरीज सील करके हमें हरा